सर्दी में इसमें से एक तो गर्मी रहती है ऊपर से, और एक जो खाते हैं सवेरे, और ठंडी भी नहीं लगती और भूख भी नहीं लगती, भूख कम लगती है और ये ताकती भी है। और यही है छोटा बाजार सोपोर, जो ये ब्लू शटर वाला दुकान है, इसी में माजिद साहब हर साहब बेचते हैं। तो चलते हैं इस दुकान के अंदर और यहाँ पे माजिद साहब से हम बात करते हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं टेस्टफुल हरसा खाना, तो आपको आना है छोटा बाजार सोपोर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये है प्रोग्राम द कश्मीर। आज हमारे साथ हैं माजिद साहब, जो कि छोटे बाजार में हरसा बेचते हैं। लगभग इसको 50 साल से ऊपर हो गया हरसा बेचते यहाँ पे छोटे बाजार में। तो हम इससे बात करते हैं आज इसी बारे में, ये हरसा सर्दियों में कितना मुफीद है खाना। तो चलते हैं माजिद साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम वालेकुम सलाम। आप ठीक हो? हाल चाल ठीक? हाँ ठीक है। माजिद साहब आप बताइए हरसा के बारे में, कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे बेचते? हरिसा में 50 साल से ऊपर हो गए। मेरा दादा पहले बनाता था, फिर मेरे बाप बना रहा है, और हम आज दो भाई बना रहे हैं। बाप भी हमारे साथ होता है, तो हमें सवेरे सवेरे बेचते हैं। नमाज के बाद हम दुकान खोलते हैं। नमाज के बाद इसका शुरुआत होती है? हाँ, नमाज के बाद शुरुआत होती है। अच्छा, आप मुझे बताइए ये हरिसा सर्दियों में क्यों लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, इससे कितना फ़ायदा है इंसान को अगर खाए वो सर्दी? सर्दी में इसमें इससे एक तो गर्मी रहती है ऊपर से, और एक जो खाते हैं सवेरे, और ठंडी भी नहीं लगती और भूख भी नहीं लगती, भूख कम लगती है, और ये ताकती भी है। और बहुत दो तीन कस्टमर आए हैं, उन्हें बोला हमें मैदे की थोड़ी प्रॉब्लम थी, हमने ये हरिसा खाया, मेरा मैदा ठीक हो गया है। हाँ, मतलब जो आप ये बनाते हो हरिसा, कितना टाइम लगता है, कितने देर में तैयार होता है इसको? इसको एक दिन और एक रात लगती है, सवेरे तैयार होता है। अच्छा, एक दिन और एक रात? हाँ, रात। तो इस टाइम आप ये बेच रहे हो, फिर कि कब आप स्टार्ट? फिर जब हमें 11:30 बजे हम ये बेच कर ख़त्म करते हैं, फिर नए नए सिरे से बनाना शुरू करते हैं। अच्छा, फिर आप नया? हाँ, फिर नया बनाते हैं। उसको लगभग एक दिन लगता है? उसको लगता है एक दिन, और रात को भी वो इसी में उसको कोयला नीचे से होता है, फिर सवेरे हम इसको नए सिरे से तैयार करते हैं, फिर होता है सवेरे तैयार, नमाज से पहले पहले। हाँ, इसी में बनाते हैं। इसी में बनाते भी? हाँ, इसी में बना, इसी में बेचते भी, इसी में बनाते भी। अच्छा अच्छा, अब क्या मैसेज है आपकी लोगों के साथ, क्या मतलब लोगों को क्या करना चाहिए इस हरसे के बारे में? लोग खुद आज जानते हैं वो हरसा कैसा चीज़ है, वो सब जानते हैं हरसा कितना मुफीद है सर्दियों में, वो सब लोग भी जानते हैं। और हम इसको हम ये बनाते हैं, हम प्योर बनाते हैं, हम वो मिलावट का नहीं बनाते हैं। हम हाँ कश्मीरी, वो कश्मीरी बकरी का बनाते हैं, और वही बनाते हैं, गाय वाय का नहीं बनाते। हाँ, बेड का मी बनाते हैं। आपका स्टार्टिंग कहाँ से, कितने में प्लेट आप देते हो? हम यहाँ ज्यादा 50 रुपए में, 50 से भी शुरू करते हैं। 50 में? हाँ, 50 से भी, 50 में भी, 100-200 जितना भी चाहे वो ले सकता है। हम 1000 रुपए में केजी बेचते हैं। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम। सर जी, आपको कितना टाइम हो गया यहाँ आते माजिद साहब के पास जो हरसा बेचते हैं यहाँ पे? اصل یہ روزان یہ مالس مزہ یعنی پہ فکر پیمت میں تن پہ بہت ہر سیت کھانا آج ایکچولی بسان کہین اس گئی دہ بہ وری درام بس بسان امرگڑھ سوپور بس تک پہ ونکس لگ بھگ آپ 30-35 ور گمت یہ یور ہرسہ کھانا نمبر اخس صفائی بیمس شفا تو پن دجن ہند رشتہ دارو ہند کلان تو بیس صحت خطرہ واقع اصل تو وندگی خطر زیادہ اصل کیا وندس مجھ سے زیادہ لگان مزہ مے باس پن پان ام سک بڑ ٹھیک نت کھانا لوگ یہ ہرس کھین یہ ونکس امس لیٹ آج سردی زبردست نسا امس 9:30 مکلمت یہ ہرس آ آج 10:30 تان امس آپ موجود لوگ ثیر وتان نندر نت ور واتان کھین تم لحاظ آپ باسان ہرس ام سندس ہرس مجھے شہر کھیوت ہرس یوتھ آپ شہر مزہ یوتھ ام سندس مزہ آ اہن حظ یہ کھانا
تمس پزی کھیون تمس خاطر واریا اصل مگر لمٹ حساب ہوں تیت یوتھ انسانس پانچ روپیے ایج لحاظ تہ کان جوان لڑکہ سہ ہک ترین ہاتھن تہ کھیت دون ہاتھن تہ کھیت بہت کھانا دون ثور ہاتھن دہ کھو دہ ایج وسان پہ ہاں تیوتھا انسان کھیت حس کھین یہ گرمی دان اندر یہ گرمی دان اندر تو سردی مزہ اصل کی رت گرس مجھے انسان کھیت اللہ صاحب مس بارہمولہ پہ یار تم ون سوز ہرس کیونکہ سہ میرے بارہمولہ پہ یار دکھا سر ہرس سری نگر پہ یور کیا صحت خطر سردی مجھے زیادہ صحت خطر اصل تہ کھون تہن باسان ہرس کت اہم چلو شکریہ سر. اگر آپ اپنے بچے کو فری کوچنگ کرانا چاہتے ہیں تو احمد کوچنگ اکیڈمی دلینا اناؤنسز سکالرشپ ٹیسٹ 8th to 12th کلاس تو اپنے بچے کو رابطہ کرائیے ان کے ساتھ تو اپنے بچے کی سیٹ آپ فری پا سکتے ہیں.